आज की बात स्वागत। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की एक पुस्तक है, बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन। इसमें भरती जी ने एक प्रश्न की चर्चा की है, और प्रश्न बड़ा व्यावहारिक है। इसमें प्रश्न लिखा गया है कि भगवान ने जात रूप रजत के उपभोग करने और संग्रह करने का निषेध किया है, ऐसा होने पर भी क्या भिक्षु जात रूप तथा रजत को छू सकता है? सोना चांदी इसे छूने का तथागत ने निषेध किया, क्या इसे छू सकता है? तो देखिएगा, ये बड़ी अच्छी चर्चा है, इस चर्चा को ऐसे ही आपके पास पहुंचाते हैं। भंते जी लिखते हैं कि सोना चांदी तो अब छूने को भी किसी को कहां मिलता है, वो तो इतना महंगा हो गया, आम जनता की पहुंच से बड़ा दूर हो गया है, भिक्षुओं के पास तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अब ये पूछा जा सकता है कि क्या भिक्षु रुपये पैसों को छू सकता है? उस वक्त में सोना चांदी की बात हुई थी, सिक्कों की बात हुई थी, वो तथागत के उस वक्त की बात थी जो विनयों में नियमों में मिलता है। आज ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या रुपये पैसों को छू सकता है? तो प्रश्न रुपये पैसों के छू सकने या न छू सकने का नहीं, बल्कि प्रश्न है रुपये पैसों के उपभोग करने का और संग्रह करने का। इसमें एक बड़ा द्वंद्व मिलता है कि कई भिक्षु ऐसे मिल जाते हैं कि जिनको उपासक उपासिकाएं दान देते हैं तो वे कहते हैं हम पैसों को नहीं छूते, ऐसा कहने वाले मिल जाते हैं। यहां भंते आनंद कौशल्यायन ये कह रहे हैं कि ये पैसों के छूने का मामला नहीं है, रुपये पैसों को, भाई ये उसके उपभोग के और संग्रहण का मामला है, तो इसको जरा ठीक ठाक तरीके से समझ ले। अब आजकल कुछ भिक्षु इसी नियम के उल्लंघन के डर से रुपये पैसे को या तो रुमाल से छूने की कोशिश करते हैं, रुमाल के माध्यम से पकड़ते हैं, कपड़े के माध्यम से पकड़ते हैं, उसको प्रत्यक्ष ये स्पर्श नहीं करते हाथों का, लेकिन रुमाल से ले लेते हैं। वे कागज के रुपयों को प्राय कागज के माध्यम से ग्रहण नहीं करते, मतलब कागज के नोटों को, क्योंकि ऐसा करना उनकी अपनी दृष्टि में कुछ हास्यास्पद सा हो जाता है। अब किंतु अगर धातु के कोई सिक्के हैं, कागज या कपड़े के माध्यम से ग्रहण करने में वे धर्म का पालन मानते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो सिक्के जो है उसको कपड़े में ले लेते हैं, रुमाल में ले लेते हैं, और ये मानते हैं कि भाई ये धर्म का पालन हो गया। तो इस तरह से इस बात को वे करते हैं। अब भंते आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं, वे कहते हैं कि हमारी विनम्र सम्मति में, भाई उनको कहते हैं कि भाई हमारा ये मानना है कि भगवान ने छूने का निषेध नहीं किया, ये छूने की बात है ही नहीं। तो भगवान ने छूने का निषेध नहीं किया, भगवान ने उपभोग तथा संग्रह का निषेध किया है। जैसा तथागत कहते हैं कि भाई निजी संपत्ति का संग्रहण दुख का कारण होता है, तो ये संग्रहण की बात है, उसके बेजा उपभोग की बात है, उसे छूने की बात नहीं है। छूना ये दूसरी बात है, और उसका संग्रहण करना, उसका उपभोग करना ये दूसरी बात है। अब एक भिक्षु बिना पैसे का स्पर्श किए भी उसका जितना चाहे उतना उपभोग और संग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता है पैसों को छुए बगैर? ऐसा तो वो कर सकता है, पैसों को छुए बगैर वो उसका उपभोग भी कर सकता है, उसका संग्रहण भी कर सकता है। और दूसरा भिक्षु रुपये पैसों को छूकर भी उसके संग्रहण से और उसके उपभोग से बच सकता है। इस बात से समझना ये है कि ये तो मन की प्रवृत्ति की बात है कि कोई पैसों को छूकर उसके उपभोग से और उसके संग्रहण से दूर रह सकता है, और कोई पैसों को ना छूते हुए भी, रुपयों को ना छूते हुए भी उसका संग्रहण और उसका उपभोग कर सकता है। अब देखिए, जो भिक्षु बिना पैसों को छुए उसका उपभोग और संग्रह करता है, वो उन बड़े बड़े सेठों की तरह है। भंते आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं यहां, क्यों बड़े बड़े सेठों की तरह है जिनके कुल रुपये पैसे का हिसाब उनकी ओर से
खजानची करते हैं, जो मुनीम रखते हैं, खजानची रखते हैं, कैशियर रखते हैं, वो उनका हिसाब किताब करते हैं और ये सिर्फ उसका उपभोग और संग्रहण करते हैं, तो इस बात का तो कोई मतलब नहीं। ये कोई तथागत की सीख का हिस्सा नहीं और तथागत ने ये सब चीज़ें सिखाई नहीं। वे तो सीधा कह देते हैं कि निजी संपत्ति का संग्रहण ये दुख का कारण है। अब आगे देखिएगा, रुपया पैसा अपने आप में धन नहीं है, न खाया जा सकता है, न पहना जा सकता है, न ओढ़ा जा सकता है। रुपये पैसे से जो भोजन वस्त्र आदि चीजें खरीदी जा सकती है वे ही वास्तविक धन है। रुपया पैसा अपने आप में धन नहीं है, उसको तो ना खा सकते, ना पी सकते, ना पहन सकते, ना ओढ़ सकते, लेकिन उससे जो चीजें खरीदी जाती है वो वास्तव में धन होता है। अब यदि किसी भिक्षु को बिना रुपये पैसे की मध्यस्थता के उसके जीवन की भोजन वस्त्र आदि आवश्यकताएं अगर प्राप्त हो जाती है तो उसे रुपये पैसे का उपभोग करने या फिर संग्रहण करने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं। तो ये बड़ी सामान्य सीख है तथागत की कि भाई अगर ये आवश्यकताएं तुम्हारी जरूरत